क्वेश्चन नंबर सो डायमेंशंस यू विल राइट डाउन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड फिगर आप यही वाली बना लेना साथ में सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर देन ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल्सो गिवन that are given to be 10 and 3.5. So, next, इसमें से जो conical depressions हैं, for that you are given the radius of each depression. तो radius of conical depression that is 0.5 centimeter and height of conical depression that is given to be 1.4 centimeter. So we are required to find the volume of the wood in the entire stand. The volume of wood in entire stand is equal to volume of cuboid. Volume की बात हो रही है तो minus करोगे इसमें से फोर कॉनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम माइनस फोर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट. नाउ फॉर्मूले आपको पता है, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट एंड दिस इज फोर टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज योर एल बी एंड एच, दिस इज आर and this is h. Put the values and get your answer. Pi we are replacing with 22/7. So after simplification you will be having this as 525 minus 1.47. And that is equal to 523.53, because this is volume, so the unit will be centimeter cube. So this is your question number 4. Simply जो आपका cuboid था उसके volume में से हमने conical parts के volumes को subtract कर दिया. Now moving on to next question number 5. In question number 5 we are given a vessel is in the form of an inverted cone. Inverted cone आ गया तो हमने जो है कोन इस तरीके से ले लिया. This is the inverted cone. Otherwise हमारे पास जो कोन होता है उसमें हम बेस नीचे की तरफ लेते हैं. So vessel जो है वो हमें एक inverted cone की फॉर्म में गिवन है in question number 5. Its height is 8 centimeter and its radius is 5 centimeter. तो ये 5 centimeter गिवन है. हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर विच इज ओपन. ओपन है ये ऊपर से. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. ऊपर तक इसको पानी से भरते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कोन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन. इट व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. अब जब इसमें आप लेड शॉट्स गिराते हो तो लेड शॉट्स गिराने पे क्या होता है, जितना इसमें टोटल पानी था उसका 1/4 जो है वो बाहर गिर जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो आपको निकालना है कि कितने लेड शॉट्स जो है वो इसमें गिराए गए. सो जितना वॉल्यूम बाहर गिरा इट मीन्स दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स. तो जो जो आपको गिवन है वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे. हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट एंड रेडियस ऑफ द लेड शॉट. सो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट दैट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. देन रेडियस ऑफ लेड शॉट, इसको R1 ले लेते हैं. रेडियस ऑफ लेड शॉट
आर टू ले लेते हैं, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। अब जितना इसमें पानी था उसका 1/4 बाहर गिरा, और जो लेड शॉट्स हैं उनका रेडियस हमें गिवन है, तो इट मींस जितना पानी गिरा दैट विल बी द वॉल्यूम, जो जितने भी इसमें लेड शॉट्स गिराए गए, अगर आप वॉल्यूम ऑफ कोन को विद दैट वॉल्यूम जो पानी बाहर गिरा डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शॉट्स। तो पहले हम अलग अलग वॉल्यूम्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट निकाल लो। वाटर फ्लोड आउट इज 1/4। ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन अलग से नहीं निकाला है। सो आई नो इट्स फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। दिस इज योर h, पुट द वैल्यूज। पाई को अभी पाई नहीं रहने देते हैं क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना है। सो 5 × 5 × h इज 8। अभी मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, जब हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली वी विल हैव। सो अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर फ्लो आउट हुआ दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स। तो मैं वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकाल लूंगी, दैट इज स्फेरिकल इन शेप, तो यू कैन राइट डाउन ओवर हियर 1 स्फेरिकल लेड शॉट। सो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब। रेडियस इसका r2 ले लेते हैं, तो रेडियस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज 4/3 पाई r3, तो दिस विल बी 4/3 पाई r2 क्यूब। अब हमारे पास दिस इज इक्वल टू 4/3 × पाई को पाई रहने देते हैं, आर जो है दैट इज 0.5, तो 5/10 × 5/10 × 5/10। अब नंबर ऑफ लेड शॉट्स, क्योंकि दोनों वॉल्यूम्स जो है वो बराबर होने चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हुआ है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ जितने भी आपने उसमें लेड शॉट्स गिराए हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। इनको डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। सो योर आंसर विल बी 100 लेड शॉट्स, यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज इक्वल टू 100। सो मेन जो है इसमें पानी कितना बाहर गिरेगा, जितने उसमें लेड शॉट्स गिराए गए उनके वॉल्यूम के इक्वल जो है पानी बाहर गिरेगा, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, यानी कि जितने भी लेड शॉट्स गिराए गए उनका वॉल्यूम इतना था, उससे उसको हमने 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो वी हैव गॉट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन कि अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 20 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. एक सिलेंडर मुझे गिवन है, उसके ऊपर हम एक दूसरा सिलेंडर जो है वो रख रहे हैं।
फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास. तो दो सिलेंडर्स हैं, एक के ऊपर एक रखा, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ पोल निकालना है. तो इट मीन्स आप दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकाल लोगे. उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है गिवन है 8 ग्राम. तो जितना आपका वॉल्यूम आएगा उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द पोल जो आपको निकालना है. और इसमें आप ध्यान रखोगे कि पाए आपको 3.14 लेके चलना है. तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू योर सेल्फ. आपको सबसे पहले इसमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सिलेंडर. अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आपका फिगर बनेगा उसमें, क्योंकि दोनों की डायमेंशंस आपको डिफरेंट गिवन है, तो एक बड़े सिलेंडर के ऊपर आपने एक छोटा सिलेंडर बनाना है. तो बेसिस जो है दैट वॉन्ट बी सेम. अगर फर्स्ट वाला मैंने ये लिया है सिलेंडर, तो सेकेंड वाला सिलेंडर मुझे इससे छोटा शो करना है, बिकॉज द डायमेंशंस आर डिफरेंट. फर्स्ट वाले की जो डायमेंशंस मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सिलेंडर की हाइट 220 गिवन है और डायमीटर 24 है. तो डायमीटर इज 24, यानी कि रेडियस 12 हो गया और हाइट 220 गिवन है एंड द यूनिट्स आर सेंटीमीटर्स. और जो इसके ऊपर है सिलेंडर, उसका आपको गिवन है सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो इसका जो रेडियस है वो 8 गिवन है और हाइट जो है वो 60 गिवन है. तो फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस सेकेंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई दैट बाय 8 टू फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉल. And u pi equal to 3.14 because that is given in the question. So this you will do yourself. Now question number 7 is again an important question. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. अब यहाँ पे तीन जो हैं आपको शेप्स गिवन है. उसने क्या कहा कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसको हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा. यस दिस इज हेमिस्फीयर. और इसको जो है हमने एक सिलेंडर के अंदर इस तरीके से रखा कि ये जो बेस है इसका That is touching the cylinder, bottom of the cylinder. तो ये कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी. सो डायमेंशंस हमें गिवन है, राइट सर्कुलर कोन की हाइट 120 है और रेडियस जो है इसका 60 सेंटीमीटर है. सो राइट सर्कुलर कोन की सेंटर में लेंगे इसको हम, हाइट हमें गिवन है 120 और रेडियस जो है वो गिवन है 60. अब यहाँ फिर से ध्यान दो, क्योंकि इसका रेडियस 60 है तो इट मींस ये वाली जो हाइट बची सिलेंडर की दैट इज अगेन 60. तो 120 ये है जो कोन की हाइट है और 60 ये है जो सिलेंडर हेमिस्फीयर का रेडियस है. और हमें क्या गिवन है कि ये पूरा पूरा इसके अंदर आ रहा है, ये इसके बेस को टच कर रहा है. इट मींस कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो इन दोनों का सम आ जाएगी. और क्या गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर. तो इन केस अगर यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 और ये हाइट 180 नहीं भी गिवन है तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं. वैसे उन्होंने दे दी है यहाँ पे. तो क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनो, हमें क्या क्या गिवन है. सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर. तो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दीज टू. तो आपके पास सभी डायमेंशन हैं, आपने इनकी वॉल्यूम्स जो है वो
निकाल लेनी है. सो डायमेंशंस हमें गिवन है. सॉलिड जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर. तो आपको इसकी डायमेंशंस गिवन है. सो यू विल राइट डाउन द डायमीटर. रेडियस गिवन है हमें. रेडियस ऑफ तीनों इकट्ठे ले लेते हैं. हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट एंड सिलेंड्रिकल एंड सिलेंडर. दैट इज गिवन टू बी 60 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन या कॉनिकल पार्ट आप ले सकते हैं. दैट इज गिवन टू बी 120 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 180 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. इन सबको मैंने ले लिया R, इसको मैंने ले लिया H1, इसको ले लिया H2. सो लेफ्ट इन द सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसमें से माइनस करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो फॉर्मूले हैं हमारे पास. पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. आर को हमने आर ही लिया हुआ है. सिलेंडर की हाइट H2 है. -1/3 πr² H1 +2/3 πr³. अब वैल्यूज पुट कर दो. पाई क्योंकि मेंशन्ड नहीं है कुछ, तो आप इसको 22/7 ले लेना. आर आपका है 60, H2 इज 180, π r² मैं यहां से कॉमन ले सकती हूँ. R इज 60 और ब्रैकेट में रह गया मेरे पास 60 प्लस हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 60. सो ओवरऑल इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना. एंड सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस एज 1.131 m³. अगेन इसमें से यू कैन सी 22/7 इनटू 60 इनटू 60 इनटू 180. 22/7 इनटू 60 इनटू 60 इनटू 180 ये आपका कॉमन आ रहा है. तो इसको आप कॉमन ले सकते हो. तो कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके दिस विल बी 0.36 इनटू 22/7. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.131 cm³. यूनिट्स आर इन मीटर. मैंने सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में ही है यूनिट्स. तो दिस इज सेंटीमीटर³, 1.131 cm³. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर हैविंग, इसमें अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको हिंट दूंगी. तो दैट विल अगेन बी योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8 आर योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. तो फिगर जो हमारी बनेगी दैट विल बी, हमें वेसल गिवन है जिसकी शेप हमें गिवन है कि इसमें स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक सिलेंड्रिकल है और जो बेस है वो स्फेरिकल पार्ट है. तो ये बेस हो गया स्फेरिकल पार्ट का एंड इसकी जो नेक हो गई दैट इज सिलेंड्रिकल पार्ट जिसका हमें यहाँ पे ना आप ये करना कि जो आपका स्फेरिकल पार्ट ले रहे हो वो इसके अंदर से मूव करे. यानी कि ये जो बेस ले रहे हो इसी के साथ आपने स्फेरिकल पार्ट बना देना है. तो ये ध्यान रखना. ये हमें डायमीटर इसका गिवन है 8.5 सेंटीमीटर. जो नेक है उसका हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर.
इसके बाद वो क्या कह रहा है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक बच्चे के अकॉर्डिंगली इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 345 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसमें हम देखें तो. उसके बाद वो क्या कह रहा है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल टू 3.14. इट मीन्स वॉट यू आर टू डू, यू आर टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम आएगा उसको आपने कंपेयर करना है 345 सेंटीमीटर क्यूब से, कि दोनों वॉल्यूम्स जो है वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे. तो वॉट एवर विल बी योर आंसर बेस्ड ऑन दैट यू विल फर्दर राइट डाउन कि वेदर द मेजरमेंट्स डन बाय द चाइल्ड आर करेक्ट और नॉट. तो सिंपली वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट. सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच, स्फेरिकल पार्ट यू विल टेक एज 4/3 πr³. आर दोनों केसेस में डिफरेंट हैं तो आर वन और आर टू आप लेके चलेंगे, या स्मॉल आर और कैपिटल आर ऑल्सो यू कैन टेक. तो आपका जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 346 पॉइंट समथिंग, और बच्चे ने वो 345 कहा है तो इट मीन्स उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो रॉन्ग है. तो द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट. सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 13.2. इफ एनी ऑफ द डाउट्स आर देयर देन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स. अदरवाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट ऑन टूमोरो. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल शुरू करेंगे. यस जया. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग जी. मैम वो कल वाली इंटरनल असेसमेंट के बारे में. बेटा इंटरनल असेसमेंट आई हैव ऑलरेडी वन डे प्रायर इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन, और इफ यू हैव मिस्ड दैट तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट, तो यू हैव टू मैनेज. हां जी गुरसिमर मैम, मैंने भी यही पूछना था मैम, ट्यूशन थी. पिछला वाला भी मैंने 2 o'clock राउंड अबाउट सेंड किया था, उसमें आपने मुझे मैसेज डाल दिया था एंड आई हैव गिवन यू द परमिशन. जो होमवर्क पार्ट होमवर्क ऐप में मैं आपका सेंड करती हूँ उसमें मेरे पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं उसको रीसेंड नहीं कर सकती हूँ, तो यू हैव टू सफर फॉर दैट. इन केस अगर ये आपका मान लो एग्जाम होता तो यू वुड हैव मैनेज्ड योर ट्यूशंस ना, तो इन द सेम वे दिस वाज योर इंटरनल असेसमेंट, तो यू शुड हैव मैनेज्ड. अदरवाइज आप मुझे प्रायरली इन्फॉर्म करते कि मैम इस टाइम पे हम बिजी हैं, तो कैन यू कोऑपरेट. आप टेस्ट होने के बाद मुझे मैसेजेस कर रहे हो तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट. That is totally your fault. So you have to suffer. Now, whenever next assessment will be given, to cover up in that.